हेलो गाइस, मैं गुफरान उस्मानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है हाई स्कूल का, और दोस्तों दिसंबर लास्ट चल रहा है, आप सबका एग्जामिनेशन मार्च में एक्सपेक्टेड है, तो इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज का टॉपिक लिया है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जब बच्चे इसका प्रश्न हल करने को बैठते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे उनको साइन थीटा और साइन 60 ये जितने भी एंगल होते हैं उनके मान रखने को, और साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण या इनकी जो फार्मूलाज होते हैं ये कैसे इनका एक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में चित्रित होगा तो बहुत ही आसानी से इन सब फार्मूलों को आप आसानी से लगा कर सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली उन चीज़ों को बताएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये कैसे बना, और उसके बाद में इनको देखने के बाद में दोस्तों यकीन मानिए कि आप सबको सवाल हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और आपका जो कन्फ्यूज़न होता है कि टेन 60 का मान क्या होता है, जब आप प्रश्न को हल करने बैठते हैं तो उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप कभी √3/2 तो कभी √1/2 रख देते हैं किसी का मान, तो एग्जैक्ट जिसका मान जो होता है वही रखने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसा कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति, तिर का मतलब होता है दोस्तों तीन, और कोण का मतलब दो भुजाओं से जो आपका कटकर बनता है एक रेखा, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि तीन कोणों का मापन जिसमें किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में भुजाओं का सिर्फ ज्ञान किया जाता है। तो इनमें जो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज जो तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, यानी कि जिसमें दो भुजा समान हो, जिसमें तीनों भुजा समान हो और जिसमें एक भी भुजा ना समान हो। तो दोस्तों और एक कोण के आधार पर होता है। तो जो कोण के आधार पर त्रिभुज होता है उनमें एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90° हो जाए, और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180° होता है, और उनमें अगर एक कोण आपका 90° हो जाता है तो बचे अब आपके दो कोण। मान लिया हमने इसको ए और इसको बी, तो दोस्तों दूसरा कोण आपका बन जाएगा बी। तो एक कोण आपका हो गया 90°, बचा दो कोण यानी कि ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आपका कितना होगा, 90°, क्योंकि त्रिभुज की अंतः भुजाओं का योग कितना होता है, 180°। अब जब 180° में से 90° निकल गया यानी कि ए प्लस बी बराबर 90°। तो अब इनकी विशेषता क्या बनती है कि जो आपका त्रिभुज बनता है जिनमें 90° होता है, उस 90° के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90°। 90 से बड़ा नहीं हो सकता, ए और बी इसके बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए बी 90 में बटे हुए हैं, और आपका ये जो सी कोण है अकेले 90° है, इसलिए जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सब सामने वाली भुजा जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। अब दोस्तों आपके बचे दो कोण, एक बचे ए एक बचे बी। अब एक को हमने मान लिया कि ये थीटा है, थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम कहते हैं लंब। बाकी अब आपका जो बचा उसे हम कहते हैं आधार। तो ये आपका हो गया, इस ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने इसके बारे में बताया और इसकी एक ये विशेषता बताई, इसमें फार्मूला ड्रा करके दिया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा और उसमें कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि अगर कर्ण आपका 5 है और आपकी लंब 3 है
तो आधार आपकी चार होगी। अब देखिए बराबर इसको करके देख सकते हैं, फाइव पे स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तो ये आपका 25 हो जाएगा, 9 प्लस 16 यानी 25 बराबर 25। तो ये होता है आपका जो पाइथागोरस प्रमेय, इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हमें जो समझना है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसको समझने से पहले भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होता है कर्ण लंब और आधार में जो आपका एक रेशियो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है, आपको एक फार्मूला याद करना होगा कि एल ए एल लाल बटे के ए, इस फार्मूले को आपको टिक को याद कर लेना है, लाल बटे कक्का। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का, देखिए आपके तीन अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये आपके रेशियो होते हैं। अब देखिए जो आपको सबसे पहले दिख रहा है लाल बटे कक्का, यानी कि जो आपका ये है एल अपान के, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है देखिए दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका ए अपान के यानी कि आधार बटे कर्ण। अब बचा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है तीसरा लाल बटे एल अपान ए यानी कि लंब बटे आधार। अब आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये कैसे आया, लाल बटे कक्का आप याद कर लीजिए, जो आपका पहला होगा साइन थीटा, दूसरा होगा आपका कॉस थीटा, तीसरा होगा आपका टैन थीटा। अब देखिए इनके भी एक इनवर्स होते हैं, वो इनवर्स क्या होते हैं देखिए समझिएगा कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है आपका क्या होता है कॉसेक थीटा, और उसके बाद में कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब देखिए जो आपने अभी याद किया एल अपान के, अब देखिए आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका आप पलट दीजिए के अपान एल यानी कि कर्ण अपान लंब हो जाएगा, ऐसे आधार का कर्ण अपान आधार हो जाएगा, कॉस थीटा का सेक थीटा का, और टैन थीटा का उल्टा आपका आधार बटे लंब होगा यानी कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो दोस्तों ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, और आपको ये फार्मूला याद रखना है कि लाल बटे कक्का क्या होता है। अब हम आगे समझते हैं कि और भी फार्मूले कैसे आते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय, तो इस पाइथागोरस प्रमेय से आपके तीन फार्मूले निकलते हैं। देखिए आपका ये था 90 डिग्री, ये सी यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा के सामने को आप कहते हैं लंब। अब देखिए बाकी जो बचा आपका हो गया आधार, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण लंब आधार। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जैसा कि आपने अभी सीखा कि आपका एल ए एल अपान के ए यानी कि लाल बटे कक्का, पहला जो होता है आपका साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तीसरा टैन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। अब देखिए इनमें फार्मूले कैसे बनते हैं, अब इनमें हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास तीन भुजाएं हैं और तीन नेम है आपका कर्ण लंब आधार, तो आप अगर इनमें कर्ण स्क्वायर से भाग कर देते हैं, इस इक्वेशन में अगर कर्ण स्क्वायर से आप क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, तो आपका क्या होगा कर्ण स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर। अब देखिए आपने ये डिवाइड कर दिया, और आप जानते हैं कि कर्ण से कर्ण कैंसिल, यहाँ पर बचा वन इज इक्वल, यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिएगा आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो आप देख रहे हैं आधार बटे कर्ण, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा
टैन थीटा, तो आधार बटे कर्ण आपका हो गया कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण आप क्या देख रहे हैं, लंब बटे कर्ण पहला साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया कि आपका एक बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये सबसे पहला फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन, तो इसे याद रखिएगा। अब दूसरा फार्मूला क्या होगा, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा फार्मूला, जब आप इसमें हमने कर्ण से अभी भाग किया था, अब हम भाग करेंगे लंब से, तो जब लंब से भाग करेंगे तो देखिएगा लंब स्क्वायर अपान लंब स्क्वायर अपान लंब स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लंब से लंब आपका कैंसिल हो गया, कर्ण अपान लंब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण अपान लंब क्या होगा, देखिए ये साइन थीटा, और अभी हमने बताया कि पहला साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए आधार बटे लंब, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा का उल्टा आपका क्या होगा कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लंब से लंब कैंसिल, ये आपका हो गया एक फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। अभी हमने किससे भाग किया था कर्ण स्क्वायर से पहले, अभी हमने भाग किया लंब स्क्वायर से, अब आपका बचा आधार स्क्वायर से। जब आप आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो देखिएगा आपका क्या बचता है और फार्मूला क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर से हम भाग करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर अपान आधार स्क्वायर, यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं ये क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए आधार से आधार कैंसिल वन प्लस, अब यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब आप आसानी से देख सकते हैं टैन थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला। दोस्तों इसमें तीन ही फार्मूले बन सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाओं में एक कर्ण होता है एक लंब एक आधार, तो तीन बार जब भाग करेंगे तो तीन फार्मूले बनकर आएंगे। अब आपको हम फार्मूले रिवाइज करवा देते हैं कि पहला फार्मूला जो हमने बताया था जब कर्ण से भाग किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, उसके बाद में अभी जो हमने इससे पहले भाग किया था किससे लंब से, तो आपका क्या आया था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोस्तों इन फार्मूलों से कुछ और, ये दोस्तों ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन फार्मूलों से कुछ और भी हम ट्रिक लगाकर इनको फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं उनके कुछ तरीकों को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा जैसा कि पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब देखिए ये पहला हो गया, दूसरा जब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर को रोक लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन उधर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा जब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इस फार्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम इसके दिशा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक ओर से दूसरी ओर ले जाएंगे पक्ष से विपक्ष में, तो आपका ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा ऐसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये पहला स्टैंडर्ड था। अब इससे दूसरा जो बनेगा टैन स्क्वायर थीटा, इधर ले आइए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
बराबर हो जाएगा वन। ये भी एक फार्मूला होता है। अब देखिए कहीं पर भी आपको लिखा है सवाल हल करने में सेकेंट क्या थीटा मस्ट क्या थीटा, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका मान कितना होता है वन। अब देखिए इससे एक और बनेगा, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हमने टैन स्क्वायर थीटा को उधर लिया, अब यहाँ पर क्या होगा कि टैन स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे वन इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टैन स्क्वायर थीटा। यानी कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं नेगेटिव में हो जाती हैं, यानी कि उसका जो साइन होता है चेंज हो जाता है। तो ये तीन फार्मूले इससे, तीन फार्मूले इससे, और जो एक फार्मूला और ऐसे दोस्तों जो तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन जो बना था उसको आप बनाकर देखना और किताब में देखना, बिल्कुल आपको अब इन चीज़ों को हल करने में यानी कि इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो गया अब इनसे संबंधित सवाल को हल करने में निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों अगली जो वीडियो होगी हमारी वो त्रिकोणमितीय कोण पर आधारित होगा। त्रिकोणमितीय कोण का मतलब हुआ कि जो साइन से लेकर टैन तक जीरो से लेकर 90 डिग्री तक जो मान होते हैं उनके बारे में हम बहुत ही रोचक ट्रिक के साथ में आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होगा।